नमस्कार, मैं पिंकी ढिल्लो स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का हमारे स्टार सवेरा यूट्यूब चैनल पर। आज ही 24 हिट में हम लेकर आए 24 घंटों की 24 बड़ी खबरें आप तक। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका, सीबीआई कस्टडी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं की गई जारी। अधीर रंजन का विवादित बयान, बोले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। कश्मीर पर इस्लामिक देश क्या करेंगे, पाकिस्तानी मंत्री का जवाब। करप्शन पर सरकार की चोट, सीबीआईसी के 22 अफसरों को जबरन किया रिटायर। मोदी 29 को करेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, देश भर के कॉलेज विश्वविद्यालयों में प्रसारण होगा। ट्रेड फेयर 2019 नहीं दिखेगा पाकिस्तान पवेलियन, एक दिन भी कम। संत रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आप सरकार, केंद्र पर लगाया गंभीर आरोप। आर्थिक मंदी पर वित्त मंत्री के भरोसे के बाद सेंसेक्स में उछाल, 663 अंकों की तेजी के साथ खुला। एसआईटी के सब इंस्पेक्टर हवलदार की हत्या के मामले में छपरा जिला परिषद अध्यक्ष मीना अनु गिरफ्तार। ओवैसी ने कहा सेक्युलरिज्म के कूली नहीं बन सकते मुस्लिम, अपने समुदाय से चुने नेता। मायावती ने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जम्मू कश्मीर में अलग से धारा 370 के पक्ष में नहीं थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई, अब सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहेंगे। आम्रपाली के सुप्रीम कोर्ट बैंक खाते से एनबीसीसी को 7.16 करोड़ मिलेंगे, लटके प्रोजेक्ट को पूरा करने का आदेश। गुजरात मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट आज, बिहार झारखंड में तूफान की आशंका। जम्मू कश्मीर अनंतनाग में पथराव, कश्मीरी ट्रक चालक की मौत। माओवाद के खात्मे के लिए अमित शाह ने बुलाई बैठक, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। अखिलेश का मोदी सरकार पर तंज, बोले हमारी अर्थव्यवस्था से बांग्लादेश बेहतर। बीजेपी नेताओं के निधन के बाद प्रज्ञा ठाकुर को आशंका, विपक्ष कर रहा जादू टोना। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद कश्मीर पर आज पाक को संबोधित करेंगे इमरान। बूम बूम बुमराह ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड जिसके लिए तरसता है हर गेंदबाज। विश्व चैंपियनशिप जीतने के बाद बोली पीवी सिंधु, मुझ पर सवाल उठाने वालों को यह मेरा जवाब है। पाकिस्तान जाने की मिली सजा, सलमान खान के कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे मिक्का सिंह। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को ऐश्वर्या राय बच्चन ने दी बधाई। ईद 2020 पर रिलीज नहीं होगी सलमान खान और आलिया भट्ट की इंशा अल्लाह, भाईजान ने किया ये कमिटमेंट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे स्टार सवेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।